तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और हम हो गए हैं तैयार और अब हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। तो मेरे साथ आप इस बहुत अच्छी सी जर्नी को एंजॉय करिए और फिर हम आपको पूरा रास्ते की इन्फॉर्मेशन देते हैं और वहाँ की भी। तो चलिए मेरे साथ मज़ा कीजिए। 15 अगस्त का दिन है, इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू, लेट्स गो। हमने जिम कॉर्बेट में स्टे लिया है, ताज कॉर्बेट रिजॉर्ट एंड स्पा। तो यहाँ से हमने जीपीएस पे डाला है तो ये 5 hours 20 minutes दिखा रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे, और अक्षरधाम पर पहुँचने के बाद हमने यहाँ से लेफ़्ट लेना है तो ये सीधा चले जाएगा हापुड़ और फिर मुरादाबाद की तरफ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हाईवे बहुत बढ़िया बने हुए हैं। You can see very smooth roads. तो काफी मजा आ रहा है हमें। और ये मैप है जो कि पूरा दिल्ली से जिम कॉर्बेट का है। तो ये अब हम आ गए हैं NH3 से NH9 की तरफ, और ये टोल ब्रिज है। यहाँ से हम निकले हैं तो रोड्स बहुत ही बढ़िया हैं, और अब हमारा मन हो रहा है कि हम कहीं पर रुक के चाय वाय लें, क्योंकि सुबह 6 बजे निकल गए थे। तो देखते हैं कहीं पर कुछ मिलता है। तो ये दिखा है हमें एक बीकानेर वाला, और हम यहाँ पर चाय और स्नैक्स लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये चाय ले ली है हमने, और ये देखिए जगह जगह इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए बहुत ही उत्साह से लोगों ने सेलिब्रेट किया है। हर जगह आपको दिख गए हैं झंडे रास्ते में। और यहाँ से एक ये लेफ्ट टर्न है। सही में लग रहा था कि हमारी आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हर गाड़ी पर, हर घर में, जगह जगह हमें अपने इंडियन फ्लैग्स नज़र आए। लोगों में बहुत ही उत्साह है। ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट में मुरादाबाद है, राइट में काशीपुर है, और हम लोग राइट साइड लेंगे। ये राउंड अबाउट से सेकंड एग्जिट हम लेंगे जो काशीपुर की तरफ जाएगा। ये देखिए अब हम ये जो लेफ्ट ले रहे हैं इधर, ये देखिए बोर्ड लगे हैं, उधर मुरादाबाद सिटी है, हम उसके अंदर नहीं जा रहे। और अब हमने खरीदे हैं अमरूद, गुआवास जो हमें बहुत पसंद है, और यूपी के फेमस भी बहुत हैं। तो योगेश सहगल बड़े मन से उनको छांट रहे हैं और ले रहे हैं, और हमने अब अमरूद ले लिए हैं और हम अमरूद भी खाते जा रहे हैं और मौसम का मज़ा लेते जा रहे हैं। ये देखिए रोड आ गई है। अब हम यहाँ से पहले अलीगंज आएगा और अलीगंज से फिर काशीपुर। मुरादाबाद से जो हमने राइट लिया है तो ये रोड थोड़ी सी मतलब उतनी बढ़िया नहीं है, जो अभी तक हाईवेज मिले बहुत बढ़िया थे, और ये थोड़ा सा पैच जो है वो रोड का कुछ गड़बड़ है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जब भी कभी आएँ, तो ये रोड थोड़ी सी आपको गड़बड़ मिलेगी। देख सकते हैं आप, मैं गाड़ी में बैठे बैठे इतना उछल रही हूँ क्योंकि गाड़ी बहुत उछल रही है रोड की वजह से, और सिंगल रोड भी है ये। तो इसके बाद फिर अब आगे की रोड की अपडेट देते हैं आप। और यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है तो फिर ये रोड बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी ये जो हमने लेफ़्ट लिया है वहाँ से अलीगंज आएगा 22 किलोमीटर, और उसके बाद फिर काशीपुर आएगा। तो ये लेफ्ट लेते हैं, ये अलीगंज की तरफ जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कि लोग झंडे लगा के रैलीज निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोश है सभी में अपने इंडिपेंडेंस डे के लिए, जो बहुत ही अच्छा लगा देखने में। अब ये हम एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड में, और यहाँ से बता रहा है ये 1 घंटा यानी 40 किलोमीटर्स। तो अब चलते हैं आगे की ओर।
अब हमने क्रॉस कर लिया है रामनगर और अब यहाँ से जो ताज रिजॉर्ट है वो रह गया केवल 10 किलोमीटर। और ये पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन ताज कॉर्बेट रिजॉर्ट एंड स्पा उत्तराखंड। और ये है इसका गेट, और यहाँ पर गेट पर पहले वो इंक्वायरी करते हैं कि चेक इन है और किस नाम से बुकिंग है, वो सब नोट होता है और फिर वो इंक्वायरी करके फिर आपको अंदर जाने देते हैं। और ये अब हमने रिजॉर्ट में एंट्री की है तो ये पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं अब। और ये देखिए इस तरह से ये लोग वेलकम करते हैं अपना। उत्तराखंड का म्यूज़िक चलता है जो बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है सुनने में, बहुत मज़ा आ रहा होता है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, एक अलग ही फील आ रही है। थैंक यू। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर जिम कॉर्बेट ताज रिजॉर्ट एंड स्पा में, जो कि एक अमेजिंग प्लेस है। मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देख सकते हैं आप लोग। और अब जो हमें रूम मिला है, जो बेस्ट पार्ट है इस रिजॉर्ट का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा है। ये है मेरा रूम विला और इसका है ये गेट और रूम नंबर है 110। और जब हम इस पे एंटर करते हैं तो ये है राइट साइड पे एक लॉन गार्डन और ये है रूम। ये देखिए विला स्टाइल में बने हैं सारे कॉटेजेस जैसा। और ये बेंच है, इस पे आप अपना टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। एक इस तरफ भी थोड़ा सा पैसेज है ये। और दिस इज़ माय विला रूम। ये अम्ब्रेलाज हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिश हो जाती है कभी भी। तो ये देखिए हरियाली कितनी है, सुंदर कितना लग रहा है। और अब हम अंदर चलते हैं रूम में। तो नाउ वी आर एंटरिंग आवर रूम। ओ वाओ दिस इज़ अमेजिंग। और ये हैं बहुत ही आर्टिस्टिक चेयर जो स्टार्टिंग में ही रखी हैं। और एक है टेबल, और टेबल पे हैं फ्रूट्स, और है ये सामने विंडो जिसमें से आप मेरा छोटा सा गार्डन व्यू ले सकते हैं। ये देखिए ये गार्डन व्यू रूम है। और ये है पूरी विंडो, दीज आर कर्टन्स एंड दिस इज टेबल एंड चेयर जिस पे आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। और दिस इज कॉर्नर टेबल एंड दिस इज किंग साइज बेड। और ये है कबर्ड, टीवी, देखते हैं इस कबर्ड में क्या है। तो इसमें है एक ये फ्रिज जिसमें कि आपके लिए स्नैक्स ड्रिंक्स रखे हैं, यू कैन एंजॉय। एंड दिस इज टी मेकर, टी कॉफ़ी। और ऊपर है ये बास्केट जिसमें हैं चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, दिस इज वाटर बॉटल। And this is again one more window, wall to wall window है ये देख सकते हैं आप। और इधर से दिखाई दे रहा है हमारा garden, ये देखिए जिसमें कि stones लगाए हैं जो बहुत ही beautiful लग रहे हैं। और इधर है एक खूबसूरत सी painting, काफ़ी beautiful है। और हर चीज़ इस तरह से बनाई गई है जो आपको feel देगी कि आप national park में हैं। पेंटिंग्स भी उसी से रिलेटेड हैं। और ये अगेन वन मोर कॉर्नर टेबल एंड हेयर इज द स्पेस फॉर योर लगेज एंड दिस इज कबर्ड, वॉल टू वॉल मिरर। और ये है कबर्ड, इधर आप अपने कपड़े क्लोथ्स टांग सकते हैं, ये देखिए शूज वगैरह के लिए। और दूसरी तरफ है दिस इज लॉकर, कबर्ड, ये कबर्ड भी बहुत सुंदर है, ये देख सकते हैं आप। दीज आर लॉयन फेस, तो सब चीज़ें जो हैं बहुत आर्टिस्टिक लगाई हुई हैं। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, वॉशरूम, दिस इज बाथिंग एरिया। और दीज आर टॉवल्स
and this here. And this is the hair dryer, wash basin, or this is mirror, and this is toiletries, or इसमें ये भी है एक mirror. हर चीज बहुत आर्टिस्टिक है. ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सॉल्ट रखा है, फुट स्क्रब, फॉर फुट स्क्रब. ये देखिए, तो यहाँ पर लग्जरी जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड की है. ये देख सकते हैं आप इनके शावर जेल और शैम्पू. ये बातें के लिए है. अब चलते हैं हम बाहर. तो मैंने आपको रूम दिखाया जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत लग्जूरियस है. मुझे बहुत अच्छा लगता है ताज, और ताज में जो लग्जरी है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की होती है. हर चीज़ का यहाँ पर बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है. आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में. तो चलिए अब दिखाते हैं आपको इनकी लॉबी. ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो 15 अगस्त की वजह से इतना अच्छा डेकोरेशन किया है. सभी कुछ कलर थीम हमारे जो है फ्लैग को लेकर ली हुई है, ग्रीन वाइट एंड ऑरेंज. तो ये सारी लॉबी है, ये देखिए कितना सुंदर है, और हर एक चीज़ आर्टिस्टिक है. और ये लॉबी के साथ एक रूम है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, और यहाँ एक मूवी चलती है जो नेशनल पार्क के ऊपर है, वो भी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर आप. और ये देख सकते हैं आप कि ये जो जितने भी कुशन्स हैं, ये देख रहे हैं आप, उन सब पर ही एनिमल्स के फेसेस बनाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट. हर चीज़ इतने आर्टिस्टिक बनाई है कि आपको फील होगा कि आप सच में किसी नेशनल पार्क के अंदर ही मतलब रह रहे हैं. ये देखिए, ये लॉबी का ही एक पार्ट है. ये देखिए, और इस तरफ है इनका सुवेनियर, कुछ यहाँ पर उत्तराखंड के स्पाइसेस वगैरह भी मिलते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ मिलता है. ये देखिए, जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं हमारी हेल्थ के लिए. और ये आ गया है इनका, ये लेफ्ट साइड में है रिसेप्शन. ये रूम्स हैं, मतलब कॉटेजेस. तो ये देख रहे हैं आप, मेरे जो विला है उसके बिल्कुल सामने ही बना हुआ है वाटरफॉल. ये देखिए, इतना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया. और चलिए अब रिजॉर्ट का एक चक्कर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है. तो ये मेरे रूम के सामने से हम निकल रहे हैं, तो ये राइट साइड में है रिसेप्शन की तरफ का रास्ता, और इधर हम जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या है आगे. तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आई हूँ. ये है आपका बिलियर्ड रूम. ये देखिए, यहाँ पर आप बिलियर्ड्स खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको आता है. मुझे तो नहीं आता, और योगेश साइकिल को भी नहीं आता, वैसे ही थोड़ा सा ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं. ये बिलियर्ड टेबल है, ये स्टिक्स हैं, दीज आर बॉल्स. मुझे तो नहीं आता ये खेलना, लेकिन जिन लोगों को आता है वो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर. ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है. हर चीज़ का यहाँ पर है कि आप कुछ भी खेलिए, मस्ती कीजिए, फुल एंजॉयमेंट का इंतज़ाम है यहाँ पर. और अब हम इधर से जा रहे हैं, तो ये देखिए, ये आ गया है इस तरफ रिसेप्शन. और ये रिसेप्शन के बाहर, ये देखिए, एक बोर्ड पर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब यहाँ पर नोट डाउन होती है कि किस समय क्या क्या होता है.
तो वो आप सब चेक कर सकते हैं। और ये राइट साइड में इन्होंने लगाया हुआ है, ये देखिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पूरा मैप। हर चीज बहुत आर्टिस्टिक है। और ये है सोफाज, और सामने है बहुत बड़ा लॉन। और ये डेकोरेशन जो है ये 15 अगस्त के वजह से की गई है। ये देखिए इसमें भी पूरा हमारा। और ये आ गया है वाटरफॉल, ये देखिए अगेन वन मोर वाटरफॉल, कितना खूबसूरत लग रहा है। फोटोग्राफी की इतनी यहाँ पर स्पेस है, इतनी स्पेस है कि आपका मन ही नहीं भरेगा। इतना जगह है यहाँ पर, एकदम जंगल की फील देता है, बहुत ही नेचुरल बनाया हुआ है। तो खूब फोटोग्राफी आप कर सकते हैं आराम से, खूब मज़ा कर सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। हमें तो फोटोग्राफी का बहुत ही शौक है, तो हम लोग तो पूरा उसका फ़ायदा लेते हैं। ये है वाटरफॉल मेरे पीछे, और ये पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये वाटरफॉल है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये इन्होंने फ्लैग यहाँ पे फ्लैग डेकोरेशन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से। ये देखिए, ये देखिए ये फ्लैग है यहाँ पर, ये देख रहे हैं कितना सुंदर सजाया है। तो अब चलते हैं अंदर रिजॉर्ट में, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये रूम्स की कैटेगरी हैं अलग अलग, तो उनके नंबर यहाँ पर सब मेंशन है, ये देखिए। और इधर आगे क्या क्या है वो सब मेंशन है। रिजॉर्ट इस तरफ इनके रेस्टोरेंट हैं, ट्री टॉप और जिम्स ग्रिल। दिस इज द वे टू स्विमिंग पूल फिटनेस सेंटर। तो ये अब आ गया है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा उसका साइज़ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, एकदम पहाड़ों के बीच में लग रहा है। ये देखिए आप, इसका लुक ऐसा आ रहा है कि जैसे पहाड़ों के बीच में। ये देखिए ग्रीनरी है चारों तरफ, बहुत सुंदर है। और ये है इनका स्पा जीवा और फिटनेस सेंटर, दोनों यहाँ एक साथ हैं, स्विमिंग पूल के साइड पे ही है, ये देखिए। और अब हम जा रहे हैं वापस। तो ये सामने है इनका एक और रेस्टोरेंट, जिम्स ग्रिल के नाम से है। इसमें ये डिनर पे ही ओपन होता है, और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ग्रिल होती हैं, जैसे कबाब्स हैं और भी कई तरह का आइटम है, लेकिन ये केवल डिनर के लिए ही ओपन होता है, रात को 7:30 ओपन होता है। ये है जिम्स ग्रिल रेस्टोरेंट इनका। और ये एक और रेस्टोरेंट है ट्री टॉप, जहाँ पर ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब बुफे लगता है। दिस इज़ वे टू ट्री टॉप। तो चलिए ये रेस्टोरेंट के अंदर अभी नहीं हम जा रहे हैं, ये बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से भी एक रास्ता है। ये है यहाँ का ट्री टॉप रेस्टोरेंट का बाहर का एरिया, यहाँ पे भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या अंदर कर सकते हैं, देख रहे हैं कितना सुंदर है। और यहाँ से आप पीछे कोसी रिवर का मज़ा ले सकते हैं, वो देखिए सुंदर लग रहा है ना। तो चलिए अब चलते हैं रिवर पर। तो दिस इज़ द वे टू कोसी रिवर। ये हम नीचे आ गए हैं, और ये पूरा लॉन कितना सुंदर बना हुआ है, ये देखिए। और वो सामने है रिवर, और इसके सामने ये बहुत ही बड़ा एक माउंटेन है जो ताज के सामने है एकदम। तो उन्होंने हमें बताया कि ये 3000 feet ऊंचा है, और जहाँ पे काफ़ी उनको जो है एनिमल्स दिखाई देते हैं, तो वो अपने
जो बाइनाकुलर होता है उससे भी आपको दिखाते हैं, लॉयंस, कई बार टाइगर भी दिख जाते हैं, और हिमालयन कुर्ग एक तरह का डियर होता है उसका, वो भी दिखाते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है रिवर, और ये है वो माउंटेन, क्या नज़ारा है, स्काई, यू कैन सी वेरी क्लियर स्काई। और ये रिवर राफ्टिंग भी होती है यहाँ पर, लोग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये है कोसी नदी, ये देखिए इसमें अभी मैंने आपको दिखाया रिवर राफ्टिंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और बड़ा प्यारा सा मौसम हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये इनके इस तरफ और भी तरह के रूम्स हैं, यहाँ पर कई कैटेगरीज के रूम्स हैं, डबल रूम्स हैं, गार्डन व्यू रूम है, रिवर व्यू रूम है, तो कई कैटेगरीज के रूम हैं, विलाज हैं। ये देखिए कितने सुंदर हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूम्स हैं, और उनका जो टैरिफ है वो भी डिफरेंट होता है रूम्स के हिसाब से। तो दोस्तों अभी यहाँ पर होती है शाम के टाइम एक मूवी चलाते हैं वो, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ और जिम कॉर्बेट, जिन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया था, उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। तो चलिए हमारे साथ वो मूवी एंजॉय करिए आप लोग, लेट्स गो। तो ये अब हम आ गए रिसेप्शन में, और यहीं पर मूवी का अरेंजमेंट होता है, तो देखते हैं। So now this movie is a documentary movie about a Jim Corbett, how they killed man-eater tigers in Power, Rudraprayag, and Bachelor of Power Girls. So that movie is 50 years ago. Achha. First they go for send for a British government for make the movie and release something. Then they go for a, it's the documentary movie about Jim Corbett lifestyle or anything. Okay. So let's go for a movie. Thank you. ये मूवी देखने से काफ़ी नॉलेज मिलती है हमें नेशनल पार्क के बारे में, किस तरह से ये बिल्ट हुआ, किसने इसको, कौन इसके फाउंडर थे, किस तरह से बनाया गया, तो काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रही, मूवी थी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, तो काफ़ी मज़ा आया हमको देखने में। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आपको नॉलेज देता है कि हमारे नेशनल पार्क की क्या उनका हिस्ट्री है। ताज कॉर्बेट रिजॉर्ट एंड स्पा तो अमेजिंग प्रॉपर्टी है हमारा, हमेशा की तरह हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही बढ़िया। तो मैंने यहाँ के आपको सब कुछ बताया, रिव्यू बताया, जो एक्टिविटीज़ होती है सब कुछ बताया, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे को सपोर्ट करें, खूब सारा शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी सारी जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ताज के फूड के बारे में उसके सारे रिव्यू देंगे, तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर, बाय।